गाइस, मेरा नाम है अंकिता सिंह और आज की स्पेशल रेसिपी है डोसा विद चटनी एंड सांभर। फुल रेसिपी गाइस, इसे वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने पैन को गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें अपनी फलियां डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम ज़्यादा भी तेज ना हो, नहीं तो फलियां ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हमारी फलियां जैसे ही भुन जाएंगी, हम इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम एक जार में अदरक, लहसुन और कुछ मिर्ची ले लेंगे। उसी में हम अपनी ठंडी की हुई फलियां डाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़े से धनिया पत्ती डाल देंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमारी चटनी पिसकर तैयार हो गई है। देख लीजिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल गाढ़ी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हमने तेल में ये राई के दाने डाल दिए हैं, कड़ी पत्ता और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च तोड़कर। हम इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं। हमारा ये छौंक हम इस चटनी में लगा देते हैं। हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं सांभर की तरफ। सांभर बनाने के लिए हमने अपना कुकर गैस पर चढ़ा दिया है। हम इसमें तेल गरम कर लेते हैं और राई के दाने डाल देते हैं। राई जैसे ही फूट जाए, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन अच्छे से क्रश करके डाल लेते हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, 2 बारीक कटे प्याज, और इसे अच्छी तरीके से भुनना स्टार्ट कर देंगे। हमारा प्याज भुनना स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए, हमारा प्याज बिल्कुल भुनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें आलू और बैंगन के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें मूंगा, कुमड़ा और भी अपने हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं। मुझे यही ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसे यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम इसे ढक देते हैं ताकि हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी पक जाए, नरम हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसे फिर से ढककर पका देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमारी सब्जियां अच्छी तरीके से भुन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च का बनाया हुआ पेस्ट डाल देंगे। ये होममेड मसाला है, आप भी इसे बनाकर ट्राई करें। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। मार्केट के मसालों से ये काफ़ी अच्छी होती है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसे भुनेंगे। याद रखिएगा, आप जब भी कोई सूखे मसाले किसी भी सब्जी में डालें तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे ज़रूर पकाएं। उससे मसाले का कच्चापन दूर हो जाता है।
हमारे मसाले भी अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें तेल भी छोड़ने लगा है ये। अब हम इसमें दाल डाल देंगे, रहर की दाल जो हमने पहले से ही धो के रखी है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देते हैं कुकर में सीटी लगाने के लिए। पानी क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें जितनी आपकी ज़रूरत हो। हमने इसमें क्वांटिटी के हिसाब से पानी डाल दिया है, अब हम इसे लॉक कर देते हैं। अब हमारे कुकर में 3 से 4 सीटी आने के बाद हम इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा सांभर कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। इसमें कितना सुंदर कलर और एक टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इससे, ताकि इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाए। और अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे, जो इमली हमने पहले से ही भिगो के रखी थी। सांभर में थोड़ा सा खट्टापन होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम इमली का पानी यूज़ करते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम एक उबाल आने तक इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। हमारे सांभर में अच्छी तरीके से उबाल आ चुकी है, मतलब ये बनकर रेडी है लगभग। तो हम इसे नीचे उतार लेते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए हम तेल गरम करके उसमें थोड़ा सा हींग, 2 चुटकी हींग, कड़ी पत्ती और एक सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम अपना तड़का सांभर में लगा देते हैं। और साथ ही इसमें ऊपर से कुछ धनिया पत्ती काट कर डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर दिख रहा है, और खाने में भी ये उतना ही टेस्टी है। आप इस सांभर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आलू के पेस्ट की तरफ, जिसके लिए हमने कढ़ाई गर्म कर ली है। हम इसमें डालेंगे 5 फ़ोरन, जो कि 5 प्रकार के मसालों से मिलकर बनता है, आपको पता ही होगा। जैसे ही ये भुन जाए, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का क्रश किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, कुछ कड़ी पत्ती, और तुरंत ही इसे ज़्यादा ना भूंज कर हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमारा प्याज भुनना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी डाल लेते हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का ही भुनना है। तो हम इसे भुनकर इन मसालों को डालकर मिला लेते हैं। अब हम इसमें आलू का पेस्ट डाल देते हैं। याद रखिएगा, हमने मसाले में नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हमने आलू का जो पेस्ट बनाया है उसमें नमक डाला है। अब हम ऊपर से इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमारा आलू का मसाला भी लगभग बनकर तैयार है। हमारा आलू का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं डोसे के बैटर की तरफ। आप देख सकते हैं कि डोसा का बैटर कितना गाढ़ा है। आप अपना टेक्सचर भी इसी हिसाब से रखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप। अब हम तवे पर अच्छी तरीके से हल्के हाथ से इसे फैला देते हैं। आप देखिए ये कितना गोल बना है। हल्के हाथ से ही फैलाइएगा ताकि आपका डोसा
अच्छी तरीके से बने, नहीं तो ये तवे में चिपक जाएगा जल्दी ही। हमारा डोसा बनकर तैयार है। हम इसमें अपने आलू का बना हुआ पेस्ट डाल देते हैं। इसे निकालकर चटनी और सांभर के साथ सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है जितना दिखने में लग रहा है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। तो जाओ यार ट्राई करो, अपने पेरेंट्स को खिलाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू।